बुलडोजर वो बाबा वहीं से पहुंचा देता है अपनी शक्ति को जहाँ चाहिए। जब से योगी सरकार आई बहन बेटी घर से बाहर गया, रात बरात में कहीं भी जाते हैं ना फुल सेफ्टी मिलती है पुलिस वालों की। योगी सरकार ने बहुत कुछ कर रखा है। नमस्कार, राजनीति अड्डा आप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ प्रिंस। शिवरात्रि का पर्व नजदीक है, जैसे जैसे शिवरात्रि नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे शिव भक्तों में भी अपनी गंतव्य की ओर रवाना होने की ओर लग रही है। इस वक्त मैं सहारनपुर में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ शिव भक्त यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि वो कहाँ से आए। क्या नाम है बोले? वासु सैनी। वासु भाई किधर से आए, कहाँ जाएंगे? नकुट से आए हैं, हरिद्वार से आए हैं, नकुट जाना है। कितना जल है ये? लगभग ये 211 लीटर। 211 लीटर जी। कब चले थे हरिद्वार? 9 तारीख में। 9 तारीख में जी। कुछ मन्नत वगैरह थी जो इतना जल लिया है? कुछ नहीं मन्नत है, बस खुशी है। किस चीज की खुशी? हमारे मोहल्ले में शिव मंदिर का निर्माण हुआ है अभी, उसकी खुशी में शिव जी पे जल चढ़ाओगे? 211 लीटर लेके आए जी। अच्छा, अगर मैं व्यवस्था की बात करूँ, आप उत्तराखंड से निकल के आए हैं, अभी यूपी में एंटर, जो कैसी व्यवस्था नजर आई? उत्तराखंड में दूर दूर तक तो शिव नहीं थे, काफी दूर है, कम 10 किलोमीटर की दूरी में। और जब से यूपी में घुसाया तब से शिविर बहुत ज़्यादा दिक्कत भी कम होगी। उधर बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, मेडिसिन की प्रॉब्लम थी, और जैसे यूपी में एंट्री हुई इधर मेडिसिन भी मिल रही है, और दूसरा हमारा खाना वाना भी अच्छे से हो रहा है सब कुछ। उत्तराखंड की सरकार तो लगातार दावा कर रही है कि हमारे तरफ से शिव भक्तों के लिए लगातार बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। कोई जैसे इधर कोई सेवा नहीं है, बहुत दूर दूर से है, और जोर जो भोले अपने हाथ से पैसे लेकर खा रहे हैं ना, उनको भी लूट रहे हैं। अच्छा, एक थाली में 6 रोटी 80-80 रुपए की दे रहे हैं। इधर हमारे इधर यूपी में बहुत व्यवस्था है, योगी सरकार ने बहुत कुछ कर रखा है। कई इस चीज में उत्तराखंड सरकार फेल दिखती हुई नजर आ रही है। जो भी है वो सरकार है, जिनको सुविधा करनी चाहिए थी भोलो के लिए, कोई सुविधा नहीं है। जी आप क्या? अभी हमारे तो कुछ मोमडनों के लड़कों ने एक भोलो से 1000 रुपए छीने, उनके साथ झिन्ना झिप्टी करी, बदतमीजी करी इमली खेड़ा में मुस्लिम समुदाय के द्वारा। जी उनसे बोला कि हम तुम्हें कुछ सामान ला के दे देंगे, 1000 रुपए दे दो। उनके द्वारा एक क्रेट छोड़ गए अंबिका, और उसके बाद ही वो दोबारा लौट के नहीं आए। उन्हें साथ में ले गए, उनको धक्का किया, मारपीट करी। मैं बोले हमें साथ मिले थे, कह रहे कि कोई लड़का मिला तुम्हें, हमने कहा जी नहीं। उसके साथ बदतमीजी करी वहाँ पे, हमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिखी, ना तो कोई प्रशासन की और ना ही दूसरी हमारे खाने वाने कोई व्यवस्था नहीं थी। पर जब से यूपी में घुसे तब से हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं, सब प्यार से आ रहे हैं। खाने वाने की पूरी व्यवस्था है, हर जगह शिविर की व्यवस्था है, हर जगह पानी की, हर जगह मेडिसिन की व्यवस्था है। सबसे बेस्ट है हमारा यूपी सहारनपुर। 2017 से पहले कावड़ जाती थी, कावड़ियों के साथ अभद्रता होती थी, अब 2017 से पहले 2017 के बाद कितना बदलाव नजर आया? 2017 के बाद तो हमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया, क्योंकि 2017 से पहले तो कावड़िए अच्छे से जा भी नहीं पाते थे, वहाँ पे डीजे नहीं बजा पाते थे, और दूसरा क्या था कि कावड़ियों के साथ बदतमीजी करना, और उसके मतलब उस सरकार में कोई इतना अच्छा फील नहीं था। पर जब से योगी बाबा आए हैं तब से हमारा क्या हो रहा है कि डीजे भी बज रहा है, कावड़ी अच्छे से भी जा रहा है, खान पीन भी हो रहा है, साथ के साथ हरिद्वार के अंदर योगी जी के हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए जा रहे हैं। इतनी सेवा हो रही है कि यूपी के अंदर इतनी उत्तराखंड में नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं दिखी उत्तराखंड में। क्या कहेंगे बोले? 2024 भी नजदीक है, प्रधानमंत्री के चुनाव होने हैं, तो कैसे देख रहे हैं कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? योगी बनेगा जी। योगी जी? योगी मोदी जी? या तिवारी योगी जी? हमारे जी बजरंग दल अध्यक्ष जी हैं, कुछ हमें कहना चाहेंगे। 2024 नजदीक है, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? योगी जी। अब योगी सरकार। और मोदी जी कहाँ जाएंगे? अब मोदी जी तो रिटायर हो गए हैं, मोदी जी की तो बहुत उम्र हो गई है, अब तो योगी आएंगे। योगी बाबा आएंगे, योगी बोलते जाए, योगी बोलते जाए। उत्तर प्रदेश को कौन देखेगा? उत्तर प्रदेश को उसके बाद जो भी प्रधान जिसको भी योगी बिठाएगा, ठीक है, नहीं जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो देखेगा, पर हमारी इच्छा जो है वो बनना चाहिए योगी प्रधानमंत्री। ये तमाम गठबंधन हो रहा है, विपक्ष एक हो रहा है, कह रहे हैं कि इस बार भाजपा का हम हटा देंगे, तो उस चीज को कैसे? भाजपा नहीं कभी भी हटने की, किसी भी सरकार पे कोई सरकार नहीं आ सकती, भाजपा ही आएगी। कांग्रेस ने 70 साल राज किया है देश, चाहे उन्होंने 1000 साल किया, अब उन्होंने देश को लुटा है, लड़कियों के साथ बदतमीजी करी, इससे वाला कुछ नहीं हुआ। जब से योगी सरकार आई बहन बेटी घर से बाहर गया, रात बरात में कहीं भी जाते हैं ना फुल सेफ्टी मिलती है पुलिस वालों की। पर जब तक अखिलेश की सरकार थी, दिन दिहाड़े क्या नाम लड़की के साथ बदतमीजी बलात्कार होना 70 केस होते थे। पर जब से योगी जी सरकार आई है, चाहे रात में 12 बजे लड़की बाहर जा रही है ना, तो कोई बदतमीजी कर नहीं सकता, चाहे वो मोमडन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है नहीं। पर अगले वाले चुनाव में योगी जी ही बनेंगे, जैसी उनकी उन्होंने व्यवस्था करा रखी है, हमें आज से पहले कभी व्यवस्था नजर नहीं आई कभी भी। लेकिन अखिलेश सरकार तो लगातार यही दावा कर दिया कि इस सरकार में बेवजह बेगुनाहों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बोले, ये जो गलत काम करते हैं ये उनके लिए है, वैसा कुछ गलत नहीं कर रहे हैं वे।
ये मान लो कोई मोमडन का लड़का है, उन्हें कुछ गलत काम कर दिया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए बोले, उसके अलावा कुछ नहीं। बुलडोजर वो बाबा वहीं से पहुंचा देता है अपनी शक्ति को जहाँ चाहिए, कोई भी हो बोले हमें उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मोमडन हो कुछ भी हो, ठीक है। नहीं हमारे लिए तो सबसे बेस्ट है बाबा योगी बुलडोजर, ठीक है। नहीं और वही आए योगी सरकार आएगी। सुनिए आपने हमारे साथ खबर लेके रहे कि कैसी व्यवस्था उनको नजर आ रही है, कैसी लगी आपको हमारी खबर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।